हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एसजी ग्राफिक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने कमेंट किया था के बी लेटर का लोगो डिज़ाइन बनाओ, तो और भी बहुत से लोगों ने कमेंट किया था इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में बनाएंगे। तो आज के ट्यूटोरियल में हम के बी लेटर का लोगो डिज़ाइन बनाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। तो सबसे पहले आप यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट कर लें। मैं बी लेटर टाइप कर लेता हूँ, तो मैंने बी लेटर टाइप कर लिया। इसको थोड़ा शिफ्ट के साथ बड़ा कर लेते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। कंट्रोल टी प्रेस करें तो आपके सामने इस तरह का पैनल खुल जाएगा। यहाँ से हम फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। फॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बी लेटर को सेलेक्ट करें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड कर दें, ओके पे क्लिक कर दें। फिर से विंडो में जाएं, यहाँ से पाथ फाइंडर पर क्लिक कर दें, यूनाइट शेप कर दें, तो यूनाइट हो जाएगा। इसको क्लोज कर दें इस पैनल को। तो हम अभी के लेटर बना लेते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट करना होगा। रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, हम रेड रख लेते हैं, ओके पे क्लिक कर दें। उसको थोड़े साइड पे ड्रैग कर लेते हैं। आल्ट की प्रेस करके इसको ड्रैग करें तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा। इसको रोटेट कर लेते हैं यहाँ से शिफ्ट के साथ, और थोड़ा रोटेट कर लेते हैं, ना काफी है। इसको थोड़ा और पास ले आते। ना काफी है। इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें, आर की प्रेस करके इसको ड्रैग करें तो ये डुप्लीकेट बन जाएगा, आप देख सकते हैं। इसको भी रोटेट कर लेते हैं शिफ्ट की प्रेस करके, ना सही है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बहुत बड़ा है। फिर से इन सबको सेलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें। यहाँ से बाहर जो निकले हुए इन सबको रिमूव कर दें, आर प्लस लेफ्ट क्लिक करके। इसको भी रिमूव कर देते हैं, आर प्लस लेफ्ट क्लिक करके इसको भी कर दें। फिर से इन सबको सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएं, पाथ में जाएं, ऑफसेट पाथ पर क्लिक कर दें, तो आपके सामने ये छोटा सा पैनल खुल जाएगा। यहाँ से हम इसकी वैल्यू 19 दे देते हैं, ओके पे क्लिक कर दें। फिर से इन सबको सेलेक्ट करें, शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट कर लें, आर प्लस लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरह फालतू पार्ट को रिमूव कर दें आर प्लस लेफ्ट क्लिक करके। तो मैं रिमूव कर लेता हूँ फालतू पार्ट को आर प्लस लेफ्ट क्लिक करके। तो मैंने के बी लेटर बना लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा बुरा लग रहा है, इसको सीधा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप बी लेटर को सेलेक्ट कर लें, यहाँ से एड एंकर पॉइंट टूल को सेलेक्ट कर लें, इधर एक पॉइंट ऐड कर दें। फिर से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लें, बी लेटर को सेलेक्ट कर लें। यहाँ से सिर्फ इस पॉइंट पर डबल क्लिक करें और ड्रैग करें इस तरह। अब पहले से बेहतर लग रहा है। इन सबको सेलेक्ट करें, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं।
कंट्रोल आर प्रेस करें तो आपके सामने रूलर ओपन हो जाएगा। हम देख सकते हैं सब बराबर है, ऊपर से बराबर है, नीचे से भी चेक कर लेते हैं, यहाँ से भी बराबर है। डिलीट की प्रेस कर लें, यहाँ से मुझे अभी भी थोड़ा सही नहीं लग रहा है, इसको सही कर लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से। तो अब थोड़ा सही लग रहा है। इन सबको सेलेक्ट करें, छोटा कर लेते हैं थोड़ा, यहाँ से रूलर को सेलेक्ट करें, डिलीट की प्रेस कर दें, इन सबको बड़ा कर लें। तो हम इसको टैग लाइन दे देते हैं, आप अपना टैग लाइन दे दें, मैं अपने से कोई सा भी दे देता हूँ। यहाँ से टाइप टूल सेलेक्ट कर लें, मैं टैग लाइन दे देता हूँ, यूर नेम लिख लेता हूँ और नीचे वाली लाइन में टैग लाइन हर लिख लेता हूँ। इस फॉन्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इस फॉन्ट का नेम है नेक्सा ब्लैक। तो मैंने टैग लाइन दे दी, आप देख सकते हैं। तो अब इसको कलर दे देते हैं। तो इसको बैकग्राउंड दे देते हैं। तो मैंने इनको बैकग्राउंड दे दिया है, इस वाले साइड के लोगों को हम ग्रेडियंट दे देते हैं। तो सबसे पहले इन दो टैग लाइन को हम एक्सपेंड कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड कर दें, ओके पे क्लिक कर दें, फिर से इन सबको सेलेक्ट करें। तो अब हम ग्रेडियंट कर लेते हैं, विंडो में जाएं, यहाँ से ग्रेडियंट पर क्लिक कर दें तो आपके सामने ये पैनल खुल जाएगा। तो हम अभी ग्रेडियंट दे देते हैं, ये वाला कलर से और इस साइड से दूसरा रख लेते हैं। इसको क्लोज कर दें पैनल को, फिर यहाँ से ग्रेडियंट टूल को सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ से इतना सही है। तो आप ये देख सकते हैं ग्रेडियंट भी हो गया। तो हम ग्रेडियंट वाले लोगों को सेलेक्ट करें, एडिट में जाएं, कॉपी करें। तो हम अभी इसको फोटोशॉप में लेके जाके मॉकअप में डालेंगे। तो मैंने फोटोशॉप पहले से ओपन किया हुआ है, मैं मॉकअप ओपन कर लेता हूँ। मॉकअप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं।
इस लेयर पर डबल क्लिक करें, इन दो लेयर को हाइड कर दें, यहाँ से एडिट में जाएं, पेस्ट कर दें, ओके पे क्लिक कर दें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से क्रॉस के आइकन पर क्लिक कर दें, यस पर क्लिक कर दें, तो ये मॉकअप में लग जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आपको ये ट्यूटोरियल कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक अल्लाह हाफिज़।